क्योंकि केंद्र में सरकार है इनकी और संवैधानिक संस्थाओं का क्या स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी कल परसों ही आप ही लोगों के चैनलों में किसी चैनल के माध्यम से मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कोई एक स्टोरी देख रहा था कि शाहरुख खान के बेटे को किस तरीके से इतने महीनों के बाद क्लीन चिट मिली। मैं कमोवेश उसी कड़ी को इस ईडी की कार्रवाई के साथ देख रहा हूं। ईडी की कार्रवाई किस संदर्भ में हुई है आप सबको मालूम है। मुझे लगता है कि जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में था भी नहीं, ना एमपी था, ना एमएलए था, ना कुछ था, 2007-8-9 की बात है, उस समय का किसी का 3-4 करोड़ रुपए का घोटाला का संदर्भ है। मैं उस रास्ते से ये झारखंड घुसे हैं और मुझे लगता है ये 20-25 दिन होने जा रहे हैं ये सब चहलकदमी होते हुए। और इतने दिनों में अभी तक ईडी के वेबसाइट पर ना सार्वजनिक रूप पर एक भी बातें देश की जनता को ना नहीं बताई, ना बता पाने में सक्षम हो पाई कि इसमें इन्होंने क्या पाया, क्या प्रगति है, क्या स्थिति है।